होमगार्ड के स्थापना दिवस पर देवासरोड स्थित होमगार्ड कार्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। होमगार्ड के स्थापना दिवस पर देवासरोड स्थित होमगार्ड कार्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। परेड को सलामी देने के लिए संभागायुक्त संदीप यादव मौजूद रहे, जिन्हें होमगार्ड के जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद संभागायुक्त ने परेड का निरीक्षण किया। सलामी के बाद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन संभागायुक्त द्वारा किया गया। होमगार्ड के स्थापना दिवस पर जनप्रतिनिधि, साधु संत और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1946 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगों की उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में यह संगठन बनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गृह रक्षक टुकड़ी की स्थापना की गई थी। होमगार्ड को गृह मंत्रालय के अधीन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत बनाया गया था। एवं गृह रक्षक संगठन दिनांक 6 दिसंबर 2022 को अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठनों की प्रतिबद्धता और सकारात्मक योगदान प्रशंसनीय है। संगठन के स्वयंसेवक देश के संकल्पों और आवश्यकताओं की पूर्ति में एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे होमगार्ड संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कमिश्नर साहब जी थे और विशिष्ट अतिथि नगर निगम की श्रीमती कलावती यादव जी थी। इस कार्यक्रम में हमारे आईजी महोदय भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हमारे जवानों के द्वारा खूबसूरत मार्च पास्ट किया गया। इसके उपरांत मलकम का भी प्रदर्शन हुआ और इसके बाद हमारे ही जवानों के द्वारा सुंदर आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण हमारे आपदा प्रबंधन की सामानों की प्रदर्शनी रही, जो अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पे आयोजित की गई।